मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी नई गाड़ी होती है उसकी थोड़ी सी कम माइलेज रहती है। क्यों होता है? एक्चुअली मिस्टर तौकीर इज़ रेसिडेंट सर्विस इंजीनियर इन यामाहा। सो मिस्टर तौकीर, आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी का जो माइलेज होता है वो नए में वो कम क्यों होता है? अक्सर बोलते हैं जब नया गाड़ी लेते हैं हम लोग तो बोला जाता है कि आपको अभी कम माइलेज देगा, बट फर्स्ट सर्विसिंग सेकेंड सर्विसिंग के बाद माइलेज देगा। होता क्या, जनरली आपकी नई गाड़ी होती है, इसका व्हील वगैरह जो होता है वो टाइट होता है। हाँ, अंदर में जो बेयरिंग वगैरह वहाँ ग्रीसिंग होता है, तो वो जब तक एक्चुअली में पूरी तरह फ्री नहीं होगा आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं होगी टोटली। हाँ, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। okay. तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलने के लिए मेरे को एक्चुअली गाड़ी में दो सर्विस मिनिमम वेट करना होता है। उसके बाद जनरल ट्यूनिंग से आप इसका माइलेज डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों ने देखा, हाँ, इंजन पिस्टन वगैरह भी कॉम्पैक्ट होता है और पूरा सब कुछ फ्री होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि एटलीस्ट 2000 किलोमीटर और उसके बाद गाड़ी माइलेज देने लगती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नई गाड़ी की माइलेज चेक करके बता रहा हूँ। आप नई गाड़ी लेंगे, 2000 किलोमीटर चलाएंगे तो 5 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर आपका माइलेज एक्सटेंड करेगा। तो ये माइलेज जो है वो उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि नई बाइक है, नई स्कूटर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू द बाइक्स वे यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अंतन चौधरी अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यामाहा के फसिनो का माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, देखिए इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि माइलेज टेस्ट करो यामाहा फसिनो का। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपरली 100 ml पे चेक करने वाला हूँ कि यामाहा फसिनो कितने का माइलेज दे रही है। और थैंक यू सो मच मिलेनियम ऑटो वर्ल्ड अगेन फॉर गिविंग मी दिस नाइस वंडरफुल न्यू स्कूटर फॉर माइलेज टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यामाहा के फसिनो का माइलेज टेस्ट करने। चलिए इसमें डालते हैं पेट्रोल। ये मैं डाला, सिर्फ एक्यूरेट 100 ml डालूंगा मैं। ये गया 100 ml ऑफ पेट्रोल, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो 100 ml ऑफ पेट्रोल एक्यूरेट। ओके, दिस इज 100 ml लेवल। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट एंड विल चेक यामाहा फसिनोज माइलेज। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज 149, यानी कि 14 किलोमीटर 900 मीटर पे अभी हमारा मीटर है और हमने लिया है 100 ml ऑफ पेट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं। 149, मैं आप लोगों को एंड पॉइंट पे दिखा दूंगा कि इतना पेट्रोल 100 ml में कितना चला और उसको कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सो लास्ट तक वीडियो देखिए प्लीज़। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And so, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नरगुना पैलेस में और यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो चुका है ये पूरा, देख सकते हैं आप। तब भी थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में कार्बोरेटर का पूरा फ्यूल जला के आप लोगों को दिखाया था कितना चल रहा है। अभी है 19.5 पे और हम लोग चले थे खत्म। शॉक लेके चलाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस स्कूटी यानी कि फसिनो का माइलेज 45 किलोमीटर पर लीटर निकला। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि बाइक्स वे को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे वो आप तक आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।